मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज लगातार अलग अलग विभाग के मंत्रियों और जिले के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन उपलब्धता पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। सीएम ने रेमडेसिविर की उपलब्धता भी होने की बात कही। वहीं प्रदेश के हर जिले को 1-1 करोड़ का कोविड रोकने के लिए फंड जारी किया गया। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी, 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई, 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती रहे। कोविड केयर सेंटर चलाने के लिए मैं स्वयं से भी संस्थाओं को भी अपील करूंगा कि वायर कोविड केयर सेंटर चलाएं, जहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगना है, किट रहेगा, और एकदम जिनके लक्षण नहीं है ऐसे पेशेंट्स अगर घर में होम आइसोलेट नहीं हो सके तो वहां रह लें। पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रशासन काम नहीं करेगा, जी जान लगा देंगे, जब तक सांस है तब तक मैं काम करूंगा, लेकिन व्यापक रूप से जनता के सहयोग की जरूरत है। और इसलिए समाज से भी, स्वयं से भी संगठन निकले, मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर सब निकल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। स्वास्थ्य आग्रह के समय जो हमें मिले थे, जिन्हें अपने आप को रजिस्टर कराया, मीडिया के मित्रों से भी अपील है कि स्थिति संकटपूर्ण है लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा करने में और जनता में विश्वास बनाए रखने में कृपया करके सहयोग कीजिए।